Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are doing well. In today's class, we'll discuss the chapter The Tiger and the Mosquito. Tiger और mosquito मच्छर की story है, ठीक है? उनके साथ क्या हुआ? We'll read about it. A tiger was dozing under a tree. एक dozing मतलब होता है half नींद मारना, उबासी लेना, ठीक है? या खराटे मारना, सोना. एक्चुअली डोजिंग मतलब होता है जब आप खराटे मार के गहरी नींद में सो रहे होते हो. तो एक टाइगर था, शेर था, वो एक पेड़ के नीचे नींद मार रहा था, नींद ले रहा था. और मॉस्क्यूटो केम बजिंग बाय. अब एक जो मक्खी थी, मच्छर या मक्खी थी, वो क्या करी? वो उड़ते हुए भिन भिन आते हुए, बज मतलब तो भिन भिन आना, वो भिन भिन आते हुए उसके पास आई. द टाइगर सेड हे मॉस्क्यूटो गो अवे. अब मॉस्क्यूटो को शेर ने बोला, क्योंकि उसे नींद आ रही थी, उसे डिस्टर्बेंस हो रही थी. आपने भी देखा, अगर मच्छर भी आवाज़ करता है तो आपको इरिटेशन होती है. तो वैसे ही लायन को, जो टाइगर था उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी. तो उसने बोला कि प्लीज़ मॉस्क्यूटो यहाँ से जाओ, मच्छर यहाँ से जाओ. तो मॉस्क्यूटो सेड, मच्छर ने कहा, वाई शुड आई गो अवे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. अब जो था मॉस्क्यूटो, उसने बोला कि मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, मुझे तुमसे डर नहीं लगता. फ्रेंड मतलब डरना, तो मुझे तुमसे डर नहीं लगता. द टाइगर वॉज एंग्री, जो टाइगर था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया. ही हिट आउट विद हिज पॉ. पॉ मतलब होता है पंजा. तो उसने अपने पंजे से उसे मारना चाहा, जोर से, हिट मतलब मारना. द मॉस्क्यूटो फ्लू ऑफ, जो मच्छर था वो उड़ गया. द पॉ स्ट्रक हिज ओन चिक, जो उसका पंजा था वो उसके खुद के गाल पे लग गया, चुभ गया. द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक, इट बिगैन टू ब्लीड. अब जैसे उसको पंजा लगा तो उसको क्या हुआ, उस वजह से उसके चीक से, गालों से खून निकलने लग गया. द मॉस्क्यूटो बस्ट अवे, फिर भी मच्छर जो था वो भिन भिनाता ही जा रहा था. द टाइगर स्ट्रक विद हिज अदर पॉ, अब उसने दूसरे पैर के हाथ के पंजे से या पैर के पंजे से उसने फिर से उसको मारना चाहा. द मॉस्क्यूटो फ्लू ऑफ, अब फिर से मच्छर जो था वो उड़ गया. दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, और दूसरी बार भी उसने खुद को ही चोट पहुंचा दी. द टाइगर वॉज हेल्पलेस, अब टाइगर को पता चल गया कि वो खुद को ही चोट पहुंचा रहा है, तो वो बिल्कुल असहाय हो गया. मतलब उसके पास कोई हेल्प करने के लिए था ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था. द मॉस्क्यूटो कंटिन्यूड टू बज, जो का मॉस्क्यूटो था वो कंटिन्यू में लगातार बस भिन भिनाए जा रहा था. द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉक्ड अवे, अब टाइगर जो था वो उठा और चुपचाप वहाँ से, क्वाइटली मतलब चुपचाप, वॉक्ड अवे मतलब चले जाना, तो वो चुपचाप वहाँ से उठा और चला गया. द मॉस्क्यूटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, तो मॉस्क्यूटो ने जब वो जा रहा था उसके पीछे से बोला, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, कि कभी भी अपने आप पर घमंड मत करो. प्राउड मतलब घमंड, कि कभी अपने ऊपर इतना घमंड मत करो मेरे दोस्त. एवरी वन इज़ ग्रेट इन हिज ओन वे, हर कोई अपने तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. हर किसी में कोई ना कोई स्पेशल पावर्स होती हैं. हर कोई हर चीज़ में अच्छा नहीं होता. तो इस चैप्टर का जो मेन आपका फोकस था वो यही था कि हर किसी में अपना एक टैलेंट होता है. जैसे मच्छर, भले वो छोटा था पर उसने शेर को एंड में परेशान कर दिया, और शेर जैसे पावर को, टाइगर जैसे पावरफुल एनिमल को वहाँ से जाना पड़ गया हार मान के. नाउ विल कम टू न्यू वर्ड्स. एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा. डोंट एंग्री मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ. आई एम वेरी एंग्री विद यू, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ. प्लीड मतलब खून बहना. आई एम ब्लीडिंग, मुझे खून बह रहा है. गिव हिम, प्लीज़ गिव मी, आई एम ब्लीडिंग, प्लीज़ गिव मी कॉटन, मुझे कॉटन दे दो, मुझे ब्लीडिंग हो रही है. वाई आर यू ब्लीडिंग, तुम्हें क्यों, खून क्यों बह रहा है. ग्रेट महान, ग्रेट मतलब होता है महान. I am great, my mother is great, my father is great. Next, hit, मारना. Why are you hitting him? तुम उसे क्यों मार रहे हो. He hit me so hard, उसने मुझे बहुत ज़ोर से मारा. Next is proud, proud मतलब होता है घमंड या गर्व. यहाँ पर मतलब घमंड से है, ठीक है. So proud,
डोंट बी प्राउड ऑन योर सेल्फ या आई एम प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं. सो यू विल राइट डाउन न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक. आई मस्ट नॉट हिट एनी वन, मुझे किसी को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए. आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे अपने हिंदुस्तानी होने पे गर्व है. नेक्स्ट रीडिंग इज फन. फर्स्ट, व्हाट वाज द टाइगर डूइंग व्हेन द मॉस्क्यूटो केम बजिंग बाय. जब मॉस्क्यूटो भिनभिनाते हुए तो टाइगर क्या कर रहा था. द टाइगर वाज डोजिंग अंडर अ ट्री. द टाइगर वाज डोजिंग अंडर अ ट्री. जो टाइगर था वो एक पेड़ के नीचे नींद ले रहा था. नेक्स्ट, व्हाई डिड द टाइगर्स चीक स्टार्ट टू ब्लीड. टाइगर का जो चीक था, गाल था, वो क्यों ब्लीड करने लग गया. बिकॉज PECAUSE बिकॉज ही हिट हिज चीक विथ हिज पॉ, क्योंकि उसने अपने पंजे से अपने चीक्स को हिट कर दिया था, उस पर मार दिया था. बिकॉज ही हिट हिज चीक विथ हिज पॉ. नेक्स्ट, व्हाई डिड द टाइगर वॉक अवे. टाइगर वहां से क्यों चला गया. बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस, बिकॉज वो हेल्पलेस हो गया था बहुत ज़्यादा, मतलब वो फंस गया था उनके बीच में. सो ये आपको रीडिंग इस वन नोटबुक में करना है. नेक्स्ट, लेट्स टॉक. व्हाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. मॉस्क्यूटो ने क्यों कहा कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता. बिकॉज उसमें बहुत टैलेंट था शेर को परेशान करने का, एंड वो बहुत ब्रेव था. तो ये आपको डिस्कस करना है, आपके अपने रीजंस हो सकते हैं. नेक्स्ट, से अलाउड, आपको इन्हें ज़ोर से पढ़ना है. बैंक बैन बिस्किट बन गूज गाउन ग्रे गन फैन फ्यू फील्ड फिश लैम्प लिक लिप लूज. आपको इन्हें ज़ोर ज़ोर से रीड करना है. नेक्स्ट इज लेट शेयर. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हमें स्टोरी से क्या सीख मिलती है. तो मैंने आपको डिस्कस किया था, तो ये आपने आप रिकॉर्ड करेंगे अपने बाप, और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे पूछूंगी तो आप बताएंगे. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द लायन एंड द टाइगर, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आपको बताना लायन और टाइगर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं. ये है लायन, ये है टाइगर, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं. पहला तो कि इसकी टाइगर की बॉडी पे धारियां होती है, लाइंस होती हैं, शेर में नहीं होती. ठीक है, शेर के जो हेयर्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं. लायन किंग होता है जंगल का, तो आपको ये बताना है. सो ये आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना है. सो आज के लिए यू हैव टू रीड द चैप्टर, यू हैव टू कम्प्लीट न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक. रीडिंग इज़ फन इन योर नोटबुक. लेट्स टॉक से अलाउड लेट्स शेयर. लेट्स टॉक से अलाउड एंड लेट्स शेयर, ये आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस द स्टोरी द टाइगर एंड द मॉस्क्यूटो. वी ऑल्सो कम्प्लीटेड न्यू वर्ड्स. Reading is fun. Let's talk, say aloud and let's share. In today's class, we'll complete rest of the exercise. First is fill in the blanks by tracing the dotted words. यहाँ पे जो words लिखे हुए हैं dotted words, उस पर pencil चलानी है. A tiger was dozing under a tree. तो tiger को trace करेंगे. A mosquito came buzzing by. तो mosquito को करेंगे आप trace. The tiger hit out with his paw. Paw को आप लोग ट्रेस करेंगे पेंसिल से. द मॉस्क्यूटो बस्ट अवे, इसको पेंसिल से ट्रेस करेंगे. एंड एवरी वन इज़ ग्रेट इन हिज ओन वे, ये आप पेंसिल से ट्रेस करेंगे. तो ये आपको बुक में ही करना है. नेक्स्ट, आपको जी एच आई जे के एल इस लेटर को बुक में ट्रेस करना है. नेक्स्ट, लेट्स डू लुक एट द पिक्चर बिलो. व्हाट आर द कैट एंड माउस सेइंग, ये लोग एक दूसरे से क्या कह रहे हैं. तो ये आपको खुद डिसाइड करना है.
फर्स्ट से दिस इन योर ओन लैंग्वेज, नाउ एक्ट आउट द स्टोरी एंड से द वर्ड्स एंड सेंटेंस इन इंग्लिश, कि आपको ये पिक्चर देख के क्या समझ आ रहा है। ठीक है, तो पहले यही है कि कैट जो है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं एक सिंपल अपनी तरफ से एक वर्जन बता रही हूँ कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चूहा बोलता है नहीं मुझे मत खाओ, तो वो चीज़ खा रहा होता है। उसके बाद जैसी बिल्ली उसे मारने के लिए दौड़ती है सेकंड पिक्चर में, तो चूहा भाग जाता है। फिर वहाँ पे वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो उससे उसको दिखाता है, तो वो और बड़ा दिख जाता है चूहा, और वो देख के बिल्ली डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। तो आपको इसका ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना है। तो आज के सारे काम आपको बुक में और ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।